यार दोस्तों, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। आप हमारे गुड़हल प्लांट को देखें कि कितना खूबसूरत हमारा गुड़हल का प्लांट है। सारे गुड़हल के प्लांट हमारे बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। बहुत ही बड्स बनाए हैं, बहुत ज़्यादा सारी बड्स आई हैं। तो आज मैं अपने एक स्पेशल, ये हमारा ये गुड़हल है पिंक, जो अभी नया हमारा गुड़हल खिला है पिंक कलर का। तो इसमें देखिए कितना खूबसूरत शेड आया है पिंक शेड में, और बहुत खूबसूरत है। और इसमें बहुत सारी देखिए साथ में बड्स भी लगी हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने वीडियो में बताना चाहूँगी कि कोई भी प्लांट जब लगाते हैं तो उनकी देखभाल सही से करनी होती है और समय थोड़ा देना पड़ता है अपने पौधों के लिए। तो आप देखिए जितनी सी ब्रांच निकली हैं उनमें सब में बड्स लगी हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि हम जब बड्स आनी शुरू हो जाती हैं तब हम गुड़ाई करने के बाद में DAP, जब बड्स आनी शुरू हो जाती है तब हम DAP खाद, कैल्शियम खाद इसमें देते हैं। लेकिन हमने इसमें अपने वीडियो, एक और वीडियो में मैंने बनाया था, जो मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, कि जब हमारी गुड़हल में जब थोड़ा सा सीज़न चेंज होता है, जैसे जाड़ों के बाद में जब हल्का सा गर्मी वाला सीज़न आता है, तो थोड़ा सा फंगस या हमारे बैक्टीरिया, जो हमारे उसमें छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं, तो उस वो कीड़े लगने ना पाएँ तो हमको पहले से ही अपने पौधों की देखभाल करनी पड़ती है। पहले से उनको इंसेक्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड हमें देना पड़ता है। तो वो तरह तरह के आते हैं, मार्केट से भी आते हैं, लेकिन मैं मार्केट से ज़्यादातर नहीं लाती हूँ। ज़्यादातर हमारे फ्रेंड्स लोग होते हैं, बताते हैं यूट्यूब पे कि नीम का तेल डाल दें और नीम की खली डाल दें। तो हाँ, सही है नीम का तेल, नीम की खली, लेकिन हम अपने घर में ही इसका जो देसी इलाज है कर लेते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया था कि जो हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं, लहसुन प्याज की जो छिलके होते हैं, हमारे ऊपर से जो छिलके निकलते हैं, वो सबसे हमारे गुड़हल के जो कीड़े आ जाते हैं ब्लैक ब्लैक से, उन कीड़ों के लिए, चाहे गुड़हल में हो, चाहे बहुत सारे आजकल हमारे प्लांट हैं, जैसे डिफेंस वेकिया में काला कीड़ा लग रहा है बहुत ज़्यादा। आप अपने गार्डनों में देखिएगा कि काला कीड़ा चिपचिपा टाइप का लगता है डिफेंस वेकिया जो प्लांट हमारा है, तो उसमें ज़्यादा पानी से भी लगता है और उसको थोड़ा सा जाड़ों में भी, वो जाड़ों में हमारे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे इन पौधों पर। तो हमारे जितने सारे क्रोटोन हैं वो भी, उनके भी लीफ फॉल होने लगती हैं, तो उनको कटिंग करने का सबसे बेस्ट समय है इस समय फरवरी। तो उनको अंदर से डीप कटिंग कर दें और फिर जो नई नई लीव्स निकलेंगी तो वो अपना बहुत बढ़िया से सही हो जाते हैं, और उनमें DAP खाद वगैरह इस समय डालने का सबसे बेस्ट समय है। कटिंग करने के बाद अपने पौधों में DAP खाद दें। तो अपने हम वीडियो में लौट रहे हैं, तो देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो मैंने छिलके प्याज के जो है, जैसे प्याज के छिलके हैं, लहसुन के, जो आपका कोई कोई लहसुन ख़राब होता है सूखा था, वो भी जो लहसुन का छिलका है वो आप पूरे गमले भर में ज़्यादा से ज़्यादा भर दें और जड़ के पास बिल्कुल। तो ज़्यादातर जो कीड़े होते हैं जड़ से ही निकलते हैं, गीली मिट्टी से कीड़े हो जाते हैं गर्मियों में, तो आपको जान ही नहीं पाएंगे कहाँ से कीड़े आ जाते हैं गर्मियों में। सीज़न चेंज होता है तो कीड़े आने लगते हैं, और हमारे जो हमारा गुड़हल का प्लांट है उस पर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, कीड़ों का। और चींटियाँ बहुत होती हैं हमारे पौधों में। आप देखिए गुड़हल में, आपकी जो नीचे गुड़हल की जो हमारा पौधा होता है उसके गमले के नीचे से चींटियाँ बहुत आपको दिखेंगी और आप मिट्टी नीचे से निकालती हो जाएंगी, तो ये चींटियाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि जब कीड़ा लगता है तो कीड़े की वजह से हमारे चींटियाँ हो जाती हैं। और गुड़हल में सबसे ज़्यादा कीड़ा लगता है सफ़ेद चिपचिपा, जो कीड़ा लगता है वो भी ना लगने पाए तो आप अपने गुड़हल के पौधों में, हर प्लांट में, हर गुड़हल के गुड़ाई करने के बाद में आप इसमें लहसुन प्याज का छिलका दें, जो मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में। तो और ये एक खाद भी बन जाती, खाद भी होती है, और हमारे जो हमारे गमले होते हैं उनमें जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जो कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि गंध जो गुड़हल, जो हमारे जो लहसुन की गंध होती है बहुत ही वैसी होती है, जो लोग खाते हैं उनको तो नहीं फ़र्क पड़ता, जो लोग नहीं खाते हैं, मुझे तो बहुत लहसुन की गंध प्याज की लगती है, उन
गंध से हमारे कीड़े जो पेड़ों में हो जाते हैं वो सब मरने लगते हैं और आपका प्लांट हेल्दी रहता है। तो मैं आपको अपने गुड़हल दिखा रही हूँ कि मैंने जब इसमें खाद दी थी, डीएपी खाद देने के बाद में साथ साथ हमने ये जो लहसुन प्याज के छिलके उसकी भी लेयर डालनी थी। तो आज मैं फिर से वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि कितने हेल्दी, कितने बढ़िया से और बहुत बढ़िया बढ़िया सी इसमें बर्ड्स लगी हैं, बड़े खूबसूरत सी बर्ड्स। जब हेल्दी प्लांट होता है बड़ी अच्छी सी लीव्स होती हैं, बड़े खूबसूरत से हमारे पौधे लगते हैं। छोटे देखिए, छोटे देखिए साइज़ में कितने छोटे रहते हैं। और बहुत ज़्यादा पानी ना डालें जब ज़्यादा, और धूप में रखें। हमारे जो गुड़हल प्लांट है जब जितना धूप में रखेंगे उतने ही हमारे गुड़हल प्लांट फ्लावरिंग करेंगे। और छाया में, छाया के प्लांट दूसरे होते हैं जो हम छाया में रखें, लेकिन जो हमारे गुलाब है, गुड़हल है, गेंदा, इसे धूप के प्लांट होते हैं। बहुत सारे प्लांट जो हमारे सीजनल होते हैं वो जो धूप में रखे जाते हैं। और धूप में रखने से अब देखिए ये थोड़ा सा सीज़न चेंज हुआ तो इनकी फ्लावरों की क्वालिटी बढ़ गई है, क्वालिटी अलग चेंज हो गई। और लीव्स जो है, लूप पत्तियाँ हैं और हमारी बर्ड्स हैं, बड़ी खूबसूरत सी चेंज होके निकली हैं। तो हमारा ये सबसे खूबसूरत फ्लावर प्लांट है और इसमें देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर निकला है, पिंक शेड में है, बहुत खूबसूरत। और इसका अंदर से जो शेड है प्राकृतिक है, कितना बढ़िया सा। और एक साथ अभी एक ही खिला है लेकिन हमारी जो बर्ड्स देखिए जगह जगह लगी हैं, जगह लगे बर्ड्स खुलने वाली है। तो एक साथ चार पाँच जब खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट लगता है। मैं अपना दूसरा एक गुड़हल दिखाती हूँ। ये हमारा दूसरा गुड़हल प्लांट है, बड़ी बड़ा ही हेल्दी है। और देखिए इसमें भी कितनी बढ़िया सी ब्रांच और कितनी खूबसूरत सी इसमें फ्लावर खिलने वाला है। और ये गुच्छे वाला फ्लावर है, बहुत बड़ा बड़ा सा फ्लावर निकलता है, बड़ा सुंदर सा इसका कलर आता है रेड कलर में। कम से कम 30-35 इसमें लीव्स होती हैं, गुलाब की पत्ती, गुड़हल की पत्ती 30-35 एक साथ निकलती हैं। बड़ी सुंदर सा गुड़हल जो हमारा खिलता है और कितना इसकी बर्ड्स हेल्दी हैं। और इसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि डीएपी दी थी और बीच बीच में जब हमारी मिट्टी जम, इसमें देखिए चींटी हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें चींटी है क्योंकि इसमें देखिए आपको दिख रही होंगी ये जो चींटी चल रही है, ये चींटी अंदर जो कीड़ा होता है उनकी उनकी वजह से भी आती हैं। और चींटी हमारी ज़्यादातर पौधों में हो जाती हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं। कीड़ा जैसे जब लगा होता है जो हमारा सफ़ेद मिलीबग्स लगते हैं उनके लिए भी चींटी आ जाती है, लेकिन हमारे इसमें कोई कीड़ा नहीं लगा है। जब आपकी आपका पौधा स्ट्रांग होगा, आपकी जो मिट्टी पोरस होगी तो इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, वो आपको प्लांट देखने में पता चलने लगता है। और ये देखिए जो महीन महीन सी जो हमारी चींटियाँ, इसमें चींटियाँ देखिए कैसी मिट्टी ऐसे निकालती रहती हैं, ये जो मिट्टी निकालते हैं इसमें चींटियाँ होती हैं, इस टाइप से नीचे से गमले से मिट्टी निकलने लगती है। तो इसमें चींटी भुरभुरी सी मिट्टी कर दी है, इनको फिर से मैं इसमें डाल देती हूँ गमले में और मैं झाड़ू लगा के डाल देती हूँ साथ में। और इसी तरीके से चींटियाँ हो जाती हैं। चींटियाँ ना होने पाए तो उसका सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट इलाज है कि हल्दी का पाउडर जो होता है आपके आपके सभी किचन में हल्दी का पाउडर होता है, हल्दी का पाउडर इसमें डाल दें। हल्दी का पाउडर और दालचीनी जो होती है उसको भिगो दें, दालचीनी का पानी या सूखी और दालचीनी या तो पीस लें, पीस के इसमें डाल दें लौंग और दालचीनी साथ में, इससे चींटियाँ भाग जाती हैं। ज़्यादातर हम लोग हमारे चीनी में चींटियाँ हो जाती तो उसमें हम लौंग डाल देते हैं। और इसमें भी तो इसमें भी हम इसमें जो लौंग है और दालचीनी है इसमें पीस के डाल दें तो चींटियाँ भाग जाती हैं। ज़्यादातर हमने देखा है थोड़े दिन के बाद भागेंगी, इतनी जल्दी नहीं भागती। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मिली बग लगना शुरू हो गया, ये जो मिली बग लगा सफ़ेद देखिए देख रहे हैं, ये मिली बग है, इसी की वजह से आप चींटी गमले में आ रही हैं। तो इसको मैं हटा देती हूँ। और मिली बग्स का सबसे बेहतरीन इलाज है कि डिटॉल बॉटल में और थोड़ा सा हींग इसमें डाल दें और डिटॉल का पानी और हल्का सा सर्फ डाल के अभी से धुलाई, अगर जो आपके मिली बग्स आने लगे हैं तो आप तुरंत ध्यान दें, क्योंकि जब चींटियां मैंने देखी तो मुझे लगा कि मिली बग्स का अटैक होने वाला है क्योंकि सीज़न चेंज हुआ है। जब सीज़न हमारा जाड़ों से गर्मी की तरफ बढ़ता है तब इसमें मिली बग्स का अटैक होता है। अभी बिल्कुल अटैक ज़्यादा नहीं हुआ है, एक मिली बग हमको दिखा है, केवल एक दिखा था। मैं आपको दिखा रही हूँ, अपनी सारी पत्तियों को दिखा रही हूँ, केवल एक मिली बग लगा था। यही सब जानकारी हम देने के लिए अपना वीडियो बनाते रहते हैं। और हमारा वीडियो आशा है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगता होगा, ज़रूर पसंद आता होगा। तो अपने भी आप ध्यान दें अपने पौधों में
और इसमें मिलीबग के लिए डालें सबसे हल्दी भी बेस्ट है, दालचीनी भी बेस्ट है, लौंग भी बेस्ट है चींटियों के लिए। और मिलीबग भगाने के लिए आप जो डिटॉल का पानी है उसमें थोड़ी सी सर्फ डाल लें या शैम्पू डाल लें और इसको धुलाई करते रहें जब तक मिलीबग भाग ना जाए। और अब ज़्यादा पानी ना भरें, गमला टेढ़ा कर लें इस टाइप से, इसे गमला झुका के बाहर की तरफ धुलाई कर दें, डेली धुलाई करें, मिलीबग भाग जाएंगे। एक बार बहुत कम मिलीबग जब भगाएंगे तो जल्दी भाग जाएंगे, ज़्यादा मिलीबग जब लग जाते हैं तो फिर भगवान भगाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तब नहीं भाग पाते हैं। और इसी तरह मैं आपको दहलिया फ्लावर प्लांट दिखाते हुए अपना वीडियो बंद करती हूँ। कितने सुंदर से दहलिया फ्लावर प्लांट खिले हैं हमारे, दहलिया फ्लावर खिले हैं, बड़े सुंदर से बड्स भी बनाए हैं और खूब सुंदर से खिले हैं हमारे लॉन में। अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। आशा है आप लोगों को हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे लिंक को शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आपको नए से नए वीडियो बनाते जाएं, क्वेश्चन ज़रूर पूछें। मैं आपको अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उसका मैं आंसर दूंगी और बताती रहूँगी कि किस तरीके से अपने पौधों की देखभाल करें। थैंक यू, धन्यवाद, दोबारा सा नमस्कार।